Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं चाहूंगी कि हम बात ही शहादत अली से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको और जितने यहाँ पर साहिबान मौजूद हैं उन्हें भी इस बात पे अदिये तबरीक पेश करते हैं कि आज हमने मौजू जिक्र अली रखा है। जिक्र अली आज कोई और जिक्र अल्लाह अकबर अल्लाह हो ही नहीं सकता। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है। काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नजरु इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र अली याकुल जुनूब कमाता कुल नारुल खतबा, मेरे अली का जिक्र गुनाहों को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ को खा जाती है। आज एक तो ये हमें एजाज रब ताला ने अता फरमाया, ये हदीस हदीस नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, जब काला रसूलुल्लाह काला रसूलुल्लाह कह रहा हूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे आका प्यारे ने फरमाया। आज हमने जिस हस्ती को मौजूए सुखन बनाया वो मामूली हस्ती नहीं है, जिनके चेहरे को देखना इबादत है, जो यासूबुल मुस्लिमीन है, जो इमामुल मुस्लिमीन है, जो सैयदुल मुत्तकीन है, जो सैयदुल अरब है, जिनको आते हुए देखकर हजूर ने फरमाया आयशा ये सैयदुल अरब आ रहा है। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप सैयदुल अरब नहीं है, आपने फरमाया मैं तो पूरी आदम की नस्ल का सरदार हूँ, ये मेरा अली पूरे अरब का सरदार है। क्या बात। और जिनके लिए हजूर ने फरमाया मोमन इससे दूर रह नहीं सकता, मुनाफिक इसके करीब आ नहीं सकता, जिसके लिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी जिनकी जिनके बारे में शिकायत तक को भी सुनना गुवारा ना किया, और जिनके लिए रहमत आलम ने फरमाया इन्ना अलीयम मिन्नी व आना मिन हो, मैं अली से हूँ अली मुझसे है। फिर सरकार ने फरमाया इन्ना अलीयन लखमो हूँ मिन लखमी व दमो हूँ मिन दमी, फरमाया अली वो है कि इसका गोश्त मेरा गोश्त है, अली वो है कि इसका खून मेरा खून है। फरमाया होवा मिन्नी बे मंजिलत अरून में मूसा गैरा अन्नहू ला नबी बादी, इसकी मिसाल मेरे लिए ऐसी है जैसे मूसा के लिए अरून की मिसाल, सवाए इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और रहमत आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने शानदार तरीके से आपका तस्करा किया, आपको अपनी बेटी के साथ में कहा अल्लाह के अमर पर आपके साथ किया, आपको मदीना में अखुवत के वक्त अपना भाई बनाया, खैबर के वक्त आपको झंडा देते हुए फरमाया झंडा हम उसके हाथ में कल देंगे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का महबूब है और अल्लाह का रसूल इससे मोहब्बत करता है। जिक्र अली इबादत, दीदे अली इबादत, क्या शान है अली की, क्या मुर्तजा अली है। महमून लख मजमून लख मौका से ये राज हमने जाना, खुद शान मुस्तफाई सल्ले अला अली है। और जिनकी विलादत होती है तो मक्के में होती है। आपने आगाज किया था कसेरा मुयसर नशुद ई सहादत बकाबा बिलकबा मस्जिद शहादत, किसी को ये सहादत नसीब नहीं कि आए दुनिया में तो खुदा के घर में जाए। इमाम आकम निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह इमाम मुहद्दिसीन इरशाद फरमाते हैं कद तवारतिल अखबारु बि अन्न फातिमा बिन्त असद वलदत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फी जौफे काबा। आप फरमाते हैं एक दो तीन रवायतें नहीं है, तवातुर से ये बात साबित है कि हजरत फातिमा बिन्त असद ने मौला अली को आपको जन्म दिया काबे के अंदर काबे के वस्त में और आपको गुटी दी। हजरत फातिमा बिन्त असद फरमाती है कालत फातिमा तो लम्मा वलदतो सम्मा अलीयम वबसक फी फी है, फरमाया जब मेरे इस बच्चे ने जन्म लिया तो इसको गुट्टी देने वाले भी मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, इसका नाम रखने वाले भी रसूलुल्लाह हैं। यहाँ तक रसूल पाक ने गुट्टी देने के बाद आपके मुंह मुबारक में अपनी जबान डाली और वो चूसते रहे माजाला नामा, इस कदर आपने हजूर की जबान को चूसा के चूसते चूसते आपको आराम आप यानी आराम फरमाने लगे सो गए। ये मर्तबा और मुकाम मौला अली अलैहिस्सलाम का है। इस घराने के मुतलक हजरत जिब्रील अमीन ने कहा अम्मा आयशा सदीका फरमाती है अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा रसूल पाक से मैंने सुना, वो फरमाती है जिब्रील ने आकर मुझे खबर दी कल लब तो मुशारे कल अर्द व मगारेबा, डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए हजरत जामन साहब तशरीफ फरमाए और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है उलमा इसको सुन रहे हैं, ना जिब्रील ने नजर तो फरमाया ना बसर तो फरमाया कल लब तो फरमाया। कहा या रसूलल्लाह इस जिब्रील ने सारे जहान को छान मारा है, आप जैसा अफजल कोई नजर नहीं आया और आपके घराने जैसा अफजल कोई घराना कायनात में नजर नहीं आया। उस घराने इस कुरान मुकद्दस में रासुल मुफस्सिरीन
हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये इब्रे उम्मत भी हैं, ये रसूल पाक के चचा भी हैं, ये रसूल पाक के शागिर्द भी हैं, और ये रसूल पाक के सहाबी भी हैं, ये अहले बैत में शामिल भी हैं। ये इरशाद फरमाते हैं, मा नज़लत फी अहदिम मिन किताबिल्लाह मा नज़ल फी अली इब्ने अबी तालिब। कुरान मुकद्दस की जितनी आयतों हजरत अली की फजीलत में नाजिल हुई है, किसी और के हक में इतनी नाजिल नहीं हुई। फिर एक मकाम पर आप फरमाते हैं कि मा नज़लत फी अली सला सो में अते आयतें, जो हजरत अली के हक में आयात नाजिल हुई कुरान मुकद्दस में वो 300 आयतें हैं। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक मरकजी किरदार है। सहाबा इकराम पर हमारी जान कुर्बान, लेकिन पूरी जमात सहाबा में इतना अकरब रसूल पाक के कोई भी नहीं रहा जितना हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु है। कि मैं इल्म का शहर हूं, मैं अर्ज करता हूँ, मैं उस तरफ भी आता हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इतना करीबी कोई नहीं है जितना रसूल पाक के हजरत अली मुर्तजा करीबी। हजरत अबूबकर सिद्दीक का नाम है अब्दुल्ला, आपके वालिद का नाम है उस्मान, आपके वालिद का नाम है आमिर, आपके वालिद का नाम है अमर, आपके वालिद का नाम है आब, आपके वालिद का नाम है साद, आपके वालिद का नाम है तय्यम, आपके वालिद का नाम है मुर्रा। तो सातवीं पुष्ट पर अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का सिलसिला नसब रसूल पाक से मिलता है। कुर्बान अली मुर्तजा की जात पर, अली मुर्तजा के वालिद का नाम है इमरान, आपके वालिद का नाम है अब्दुल मुत्तलिब, आपके वालिद हाशिम, आपके वालिद का नाम है अब्द मनाफ, आपके वालिद का नाम है कुसई, आपके वालिद का नाम है किलाब, आपके वालिद का नाम है मुर्रा। तो एक वास्ते से हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ रिश्ता जुड़ता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, قال النبي صلى الله عليه وسلم انا وعلي من نور واحد। हुजूर ने फरमाया मेरे और अली का नूर एक है, मेरी और अली की निस्बत एक है। आपने फरमाया औरों की मिसाल दरख्त की दूसरी टहनियों की है, अली की और मेरी मिसाल यह है कि हम एक टहनी से हैं, एक खानदान एक ताल्लुक के साथ है। जहां तक आप अली बाब हुआ तो मैं अर्ज करूंगा कि सल्लम ने फरमाया इलम का मैं शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। साहबा ने इसका इतराब किया। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने बरमला ये इरशाद फरमाया, जब एक मसला पेश हुआ मदीनतुल मुनव्वरा में, एक शख्स ये कहता था इन्नी उहिब्बुल फितना, मैं फितने से मोहब्बत करता हूँ, वाकराउल मौता और मौत से मैं नफरत करता हूँ, मौत को यानी बेहतर नहीं समझता। और फिर उसने ये कहा कि मैं उस पर ईमान लाता हूँ जिसको मैंने देखा नहीं है, और मैं उस बात का यकीन करता हूँ कि जो अभी तक पैदा नहीं हुई, और मैं यहूद नसारा को हक कहता हूँ। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने फरमाया से कत्ल अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब को बुलाया, फरमाया उजलत से काम न ले, मुझे फैसला करने दे। तो आपने फरमाया तुम इसका फैसला क्या करोगे? आपने फरमाया ये कहते हैं मैं फितने से मोहब्बत करता हूँ। अपने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है, तो क्या हर्ज है अगर ये औलाद से और माल से मोहब्बत करता है। इसने कहा कि मौत को मैं बेहतर भी नहीं अपने लिए समझता। तो फरमाया वजात सकरतुल मौत बिल हक, मौत सख्त है, इसे वो भी मुनासिब नहीं मालूम। तीसरी बात इसने कहा कि यहूद नसारा सही कहते हैं, तो आपने फरमाया वकालत यहूद लैसत नसारा अला शय, वकालत नसारा लैसत यहूद अला शय। कुरान की इस आयत की ये तस्दीक कहा कि मैंने उसको देखा, इसको नहीं देखा, उस पर ईमान लाया, अल्लाह को बिन देखे ये ईमान लाता है। इसने कहा मैं उसका यकीन करता हूँ जो अभी पैदा नहीं की गई, क़यामत का दिन है, इस पर ये यकीन रखता है। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने जब ये सुना, उमर फारूक ने अपनी रान पर यूं हाथ मार के कहा आऊज़ु बिल्लाहि मिन मुदलतिल्ला अलीउल्लाह, खुदाया में हर उस मुश्किल से पनाह मांगता हूँ जिसकी मुश्किल कुशाई के लिए अली की जात मौजूद ना हो। तो लोगों ने भी, असहाबा ने भी इस बात को तस्लीम किया। और मैं सिर्फ यहाँ पर एक बात मुझे बोलने दीजिए, आज मेरा कलेजा फट रहा है, तो मैं ये जरूर ये कहूंगा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म अपने तो अपने गैर भी इसका इसके मुतरिफ है। एक अंग्रेज ने एक किताब लिखने की कोशिश की, और किताब वो क्या लिख रहा था, रिसर्च कर रहा था जमीन से आसमान का फासला कितना, शर्क से गर्ब का फासला कितना, सितारों की चालें आपस में किस तेज से चलती हैं, सूरज और चांद के अंदर कितना फासला है। उसने जब ये किताब लिखना शुरू की, मसरूफ हो गया, अपने अहबाब से मुलाकात कम हो गई, तो उसके एक मुसलमान दोस्त ने कहा तुम आजकल नजर नहीं आते। उसने कहा मैं रिसर्च कर रहा हूँ फासले पर, जमीन से आसमान का कितना फासला है, शक व गर्भ का कितना फासला है। तो उसने कहा कि तुमने क्या नाजुल बलागा पढ़ा, क्या तुमने हजरत अली मुर्तजा के खुतबात पढ़े हैं? उसने कहा वो इज अली, अली कौन है मैं नहीं जानता। उसने कहा छोड़ो, जानना बाद में, पहले किताब तो उनकी पढ़ लो।
खुतबात की किताब उसने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके उसको दी। जब उसने वो किताब पढ़ी, 1000 अपने दोस्तों को उसने लेटर्स लिखे, खतूत लिखे साइंसदानों को, 1 साल लग गया खतूत का जवाब आते हुए। जब 1000 साइंसदानों के जवाब सामने उसके थे और इधर हजरत अली मुर्तजा के खुतबात की किताब थी, एक नजर वो खतूत पर डालता, एक नजर वो किताब पर, एक नजर खतूत पर, एक नजर किताब पर, और आखिर में उसने ये लिखा, इट इज माई फाइनल डिसीजन, ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं नहीं जानता कि अली कौन है, बट मैं ये कहता हूं, या ये वो खुद है जिसने जमीनों आसमान चांद और सितारे बनाए, अगर ये वो खुद नहीं तो कम अज कम ये वो है कि जब बनाने वाला बना रहा था तो ये अपनी आंखों से बैठा हुआ देख रहा था। इससे इसमें कोई कलाम नहीं कि वो किसी अंग्रेज का जुमला है, मगर मैं कहना ये चाहता हूं, हजूर पाक की इस हदीस की तशरीह मालूम होती है, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल पाक के मंजूर नजर है, फैज याफ्ता है, और आप फरमाते हैं मुझे रसूल पाक ने इलम इस तरह अता फरमाया जिस तरह चिड़िया अपने बच्चे को चोग देती है, चोग देती है। मैं एक जुमला कहूंगा जामन भाई और हजरत डॉक्टर भाई, आज मैं सिर्फ ये, मैं ये जुमला आज कहना पसंद करूंगा आपके सामने, सारत कर रहा हूं, मुझे माजरत दीजिए, दो दो मिनट आपने परसों लिए थे, आज आपका टाइम लूंगा मैं। अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरा। चिड़िया अपने बच्चे को चोग कैसे देती है? चिड़िया चोग जब दे चुकती है तो फिर उड़ जाती है चोग की तलाश में, फिर चोग लेकर आती है और अपने एक बच्चे को देती है। हजरत अली फरमाते हैं मुझे रहमत आलम ने इस तरह इलम दिया जिस तरह चोग चिड़िया देती है, यानी अल्लाह से लेकर नूर आया करते थे और मेरे सीने में उंडेल दिया करते थे। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब ने हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने के अंदर इलम को मुंतकिल फरमाया। तब फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इलम का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, और जिसको इलम की जरूरत हो फरमाया फल यातिल इल्म, फल फरमाया जिसको चाहिए इलम फल यातिल बाबा, वो दरवाजे के जरिए आए। अब दरवाजा अली है और शहर रसूल पाक है, तो हजरत अली के पास दो मरतबा आना पड़ेगा, एक मरतबा दरवाजे से गुजरोगे तो तब अली को मिलना पड़ेगा, बाहर निकलोगे जब अली से मिलना पड़ेगा, अली से छुटकारा मुमकिन नहीं, अगर अली से छुटकारा पाओगे तो इलम तुम्हारे अंदर नहीं ले जाएगा। ते ऐन लाम ये मीम तालीम के 5 हरूफ है, अली के ते मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ, ते ऐन लाम ये मीम 5 हरूफ है तालीम के, और अली के ऐन लाम ये तालीम में से अगर ऐन लाम ये निकाल दोगे पीछे रह जाएगा ते और मीम, जिसका मतलब है तुम अली जिंदगियों से निकलेगा तो इलम नहीं बचेगा, तुम बच जाओगे और तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। क्या बात है, क्या बात है। और ताली नहीं मारनी, सुभान अल्लाह कह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि और मैं आज अभी बोल रहे हैं आप बोल रहे मैं आज कसम खा के ये बात कहती हूँ कि पिछले 20 दिन में कभी ऐसा नहीं मेरा दिल चाहा, मतलब अक्सर मेरा दिल चाहता है मैं इनको काटूं ताकि मैं किसी और से बात करूं, आज ये पहला दिन है कि मैंने आपको काटने का दिल नहीं। और मैं आपको सलूट करता हूं कि आपके मन में भी उबे अली मौजूद है। क्या बात है, जो जिक्रे अली करे आप अगर उसको नहीं काट पा रहे तो अंदाजा लगा लो खुद अली को कौन काट सकता है। क्या बात है, लेकिन बस यहाँ पे ब्रेक लेती हूँ, लेकिन मैंने कसम खा के बात की कि आज पहला दिन है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं बगदादी भाई की बात को रोकूं या उनको काटूं, इतने दिल से अकीदत से शिद्दत से है ना, और इतना अच्छा लग रहा है और बहुत दिल से बात कर, बाकी मुझे लग रहा था कि ये बातें नहीं निकलेंगी, इनका कलेजा फट जाएगा, इनका अंग अंग जो है ना इनका वो बात कर रहा है हजरत अली के लिए।